पटना के होटलों में कम उम्र की लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि धंधा भी तकनीकी रूप से इंटरनेट पर सोशल साइट और व्हाट्सएप के जरिए चल रहा है। क्या उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? सोचिए, जिस लड़की को अपनी उम्र का ठीक ठीक पता नहीं, उसे हवस और वासना की वस्तु मानकर राजधानी पटना के होटलों में बेचा जा रहा है। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही किशोर वय उम्र की लड़कियों की सौदेबाजी इंटरनेट के जरिए हो रही है। कुरकुरा कंपनी काम करना है। हाँ। और क्या किया करवाया जाता था? गलत काम। अच्छा, तुमको कितना पैसा मिलता था? 5,000 का महीना। महीना? हाँ। दोनों को 5,000। हाँ। तो फिर कैसे आज छुरा पाई पुलिस? तो हम लोग सोए थे रात में, ठीक है, तो हम बोले कि 8-9 बजे कौन गेट खटकाएगा, तो हम जाकर खोल, ठीक है, तो हमको बोला कि चलिए साथ में, बोला ठीक है चलते हैं, तो चले। हम लोग थोड़े जानते हैं सब काम, एक औरत ले आकर फंसा दी। शोषण की कहानी इंटरनेट से शुरू होती है। पुलिस को भी इसकी खबर नहीं। राजधानी के बोरिंग रोड स्थित एक गेस्ट हाउस से 6 जनवरी को एक पीड़ित लड़की का फोन कॉल आया। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी तस्वीरें वैसे भी लगाई गई हैं और कुछ एक्चुअल भी हैं, और वो जो है वो अपना व्हाट्सएप पे एक प्रोफाइल भेजते हैं कस्टमर को, और उस प्रोफाइल पे जो प्रोफाइल भेजते हैं उसमें वो बोलते हैं कि जिस लड़की का प्रोफाइल भेजा गया है उसी में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उनका मॉडस ऑपरेंडी डिफरेंट तरह से ऑपरेट करता है, व्हाट्सएप से भी, फेसबुक से भी और साइट के माध्यम से भी। तीन बदमाशों, या यूं कहें कि जिस्म फरोशी के हाईटेक दलालों को पुलिस ने पकड़ा है, जो इंटरनेट पर कमसिन और हसीन लड़कियों की नकली तस्वीरों के जरिए ग्राहकों को ऑनलाइन बुकिंग और उनके फोन नंबर से फंसाते थे और 12,000 रुपये से 75,000 रुपये तक एक दिन में वसूल करते थे। होटल्स के माध्यम से वो रैकेट चलता है, वो कस्टमर्स को बुलाते हैं फ़ोन के माध्यम से, फिर उनसे पैसा लेते हैं, एडवांस लेते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हम लोग बाहर से भी इसमें कॉल गर्ल्स हैं उनको सप्लाई करते हैं विद इन यहाँ से। इसमें कितना सच है इसकी जांच हो रही है, बिहार से, बिहार के बाहर से और उससे बाहर से भी। तो उसी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने एक्सेप्ट किया है और अपना एक साइट इसमें खोला है। जिस्म फरोशी का ये धंधा एस्कॉर्ट रैकेट पटना के जरिए चलाया जा रहा है, जिस पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। समय के लिए पटना से आशुतोष कुमार।